मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं कि जिसके बगैर क्रिकेट का मैच पाकिस्तान का मुकम्मल नहीं होता, यानी कि जब तक वो फ्रेम में नजर ना आए तब तक यकीन नहीं होता कि मैच हो रहा है। चाचा एक क्रिकेट, उनका नाम है अब्दुल जलील। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जलील साहब, दुबई से मेरे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम जनाब, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सर। आपने तो ऐसे ऐसे मैच जितवा दिए हैं, आपके बगैर तो ऐसा लगता ही नहीं कि पाकिस्तान खेल रहा है। कैसा लग रहा है आपको दुबई में? जी मैं दुबई में बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने पहले भी कहीं अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी एक जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश ने पूरी करनी है कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच जीते, और अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। कौम की दुआएं रंग लाई हैं, रबीउल अव्वल का महीना था, और मैं हर उस पाकिस्तानी को जो दुनिया भर से यहाँ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, मुझे तो मिलते रहते हैं चाचा जी, अमेरिका से, कैनेडा, इंग्लैंड, यूरोप, सऊदीया से, जहाँ भी आए, तो मैं हर पाकिस्तानी का जो स्पोर्ट या टीम की हौसला अफजाई करने के लिए आई है उनका भी शुक्रिया अदा करना, और पूरी कौम का, वो दुनिया भर में और पाकिस्तान में जहाँ भी है, अपनी तरफ से और चाची क्रिकेट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इंडिया और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है ना जो फतह का जश्न बनाया। हाँ। हमने साबित किया है कि दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट जो है एक स्पोर्टिंग। अच्छा चाचा, चाचा क्रिकेट, अब ये बताएं पाकिस्तान के लिए कौन सी टीम अब मुश्किल रह गई है? आपको लगता है कोई टीम मुश्किल है जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेल रही है? जी यार, मैं फर्स्ट दफा टेंशन से बचा हुआ हूँ, कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को मैं टाइम दे रहा हूँ, शारजा में था, वहां मैं अपनी कजन फैमिली के पास, अभी पाकिस्तानी बच्चों को मैं टाइम दे रहा, अभी मैं इस वक्त दुबई में हूँ। अच्छा। इनका तलक डेरा गाजी खान से है। अच्छा। तो मेरा तो एक ड्यूटी है मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो हम जो है ना, मैंने इंडियन चैनल को भी बोला था कि भी जब भी इंडिया फाइनल में आएगा तो फिर मुकाबला होगा। हाय हाय, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल में आए, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल में आए पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान फिर हराए इंडिया को। जो है ना, जो भी है फाइनल में आया फिर तो मुकाबला, हम भी फाइनल में आए, सेमीफाइनल बड़े टाइट होते हैं। तो बहरहाल मैंने मजाक किया था इंडियन चैनल को कि भी मैं चाहता हूँ कि इंडिया फाइनल में, पाकिस्तान फाइनल में आए और फाइनल में जीते, इंडिया ना ही आए तो हम एक साल तक जश्न तो मनाते रहे, बातें करते रहे जो हमने पहले विक्ट्री हासिल की है। तो ये बड़ा इंडियन चैनल भी मुझे ले रहा है, और क्या मैं फिर एक दफा जो है ना जो जश्न मनाया पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में, जो है ना सब वीडियो मेरे सामने है, जो है ना, तो क्या बात है। तो मैं यही चले, आखिर में आप ये बताएं पाकिस्तानी कौम किस तरह जश्न बनाए, पाकिस्तानी कौम क्या करे? अब तो फिक्र से बाहर है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है, दुआओं के बगैर ही पहुंच गई है, बहुत अच्छा खेल के पहुंच गई है। तो अब क्या आपका पैगाम क्या है पाकिस्तानी कौम के लिए? पाकिस्तानी कौम के लिए यही है कि भाई पाकिस्तान से सच्चा प्यार करो और एक अच्छा इंसान बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करो, और एक अच्छा मुसलमान बन के जो है ना मुल्क की नुमाइंदगी करो, जो ना कोई ऐसी हरकत ना करो। मेरा पाकिस्तानी सपोर्ट क्राउड जो है वो सपोर्टिंग है कि हम दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरे क्राउड है मैं किसी का नाम नहीं लेता, जब भी उनकी टीम हारती है तो ऐसे जैसे बिल्ली बन के बच जाते हैं, और ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी क्राउड, इंग्लैंड का क्राउड बड़ा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका का, लेकिन एक दो कंट्री ऐसा है कि वो जो है ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तो अच्छा नहीं है ये। और इस शेर के साथ, फकीरा ना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले, अगर तुमसे पूछे कोई है अमीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले, जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा, क्रिकेट का मैदान रहेगा, टीवी पे चाचा आन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा क्रिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।